अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से हमारी मुर्गियों ने आज भी अंडा दिया है और कल भी अंडा दिया है। चलते हैं और अंडा उठा लेते हैं चल के। देखें माशाल्लाह से अंडा आया है आज भी। तो ऊपर का सारा काम इनका हो गया है, हमने इनको दाना भी सुबह डाल दिया था, पानी भी इनका चेंज है और अंडा भी आ गया। तो अब मुर्गियों के काम करते हैं, सहन में लेके चलते हैं। और आज एक काम है, इंक्यूबेटर की सफाई करनी है। तो इंक्यूबेटर भी आप अभी तक आप लोगों को दिखाया नहीं है, तो इंक्यूबेटर भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा वाला इंक्यूबेटर हमारे पास। मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसा इंक्यूबेटर है, उसकी सफाई करनी है। क्योंकि माशाल्लाह अब चार अंडे हो चुके हैं, एक दो अंडों बाद बस इंक्यूबेटर का भी स्टार्ट करना है। तो मुर्गियों का भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इनको भी नीचे लेके चलते हैं सहन के अंदर, थोड़ा ठंडा भी है। फिर इंक्यूबेटर भी आप लोगों को दिखाते हैं, उसकी सफाई भी करते हैं। चलो लेके चलो इनको नीचे। तो मुर्गियों को हम लोग सहन में लेकर आ गए। ये इधर स्टोर है, इसके अंदर है, हम लोग ने इंक्यूबेटर रखा हुआ था जब चलता था, अभी भी इधर ही है ये देखें। तो ये इंक्यूबेटर है हमारा, ये 50 से 60 अंडों वाला इंक्यूबेटर है। इसको भी 1.5 साल हो गया हमारे पास, ये ड्राई श्रम रखे हुए मुर्गियों के। ये चलता भी है? हाँ ये अभी चलता है, इसको मैं ऑन करके दिखाऊंगा। बल्ब लगा हुआ? हाँ लगा हुआ है, ऑन करो। ये देख बिल्कुल अभी भी रनिंग कंडीशन के अंदर है, जबकि कब से पड़ा हुआ है, कोई इसमें है ना सफाई नहीं करी हमने। देखिए मिट्टी भी पूरी, ऊपर पूरी मिट्टी जमी हुई है, तो उसको पूरा सही से इसको साफ़ करते हैं। तो सफाई करने से पहले इसके अंदर जो सारा सामान है वो बाहर निकाल देते हैं। ये W1239 सर्किट है, इसका थर्मामीटर का वायर है, बाकी ये एक मैंने एक ये भी लेकर रखा हुआ था टेम्परेचर, वो ताकि अगर गलती से इसमें गलत टेम्परेचर आ रहा हो तो उसमें सही टेम्परेचर आ जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो इंक्यूबेटर होता है इसके अंदर पॉइंट से टेम्परेचर में फ़र्क आए तो फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए 2 से 3 आपको चेकिंग बैलेंस रखना पड़ता है। इसलिए मैंने एक मशीन भी ये लेकर रखी हुई थी। अब देखें अंदर से इसको सही से हशर कितना बुरा हुआ हुआ है, पूरा अंदर से गंदा हो रहा है। फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। पूरा इसकी जो लगी होती है हिंज, इसके ऊपर भी पूरा सांगे, तो उसको भी खोल के सही से सफाई वगैरह करके इसको करते हैं। मैं लेकर आता हूँ टूल, इसको खोलता हूँ, उसके बाद अंदर से भी सफाई करते हैं। ये देखिए भाई इंक्यूबेटर काम कर रहे हैं ये। अभी ये उसे टूल से खोल लें, इसकी जो हिंज होती है इस पर भी बहुत जंग लग गया ना, इसलिए अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखें ये है ब्रह्मा वाले। अब आप देखें थोड़े पीछे चलते हैं हम, ये देखें चेयरों के अंदर अलेक्सा छुपी हुई है, पूरी इसकी नज़र ब्रह्मा के ऊपर है कि कहीं कुछ करके मैं इनमें हमला कर दूँ। ये देखें आप चेयरों के बीच में छुपके कैसे बैठी है, ये अलेक्सा बैठी है और ये ब्रह्मा। ये जंग का आलम देखें कितना ज़्यादा जंग है कि ये खुल ही नहीं रहा, स्क्रू बिल्कुल जंग के अंदर आके बिल्कुल ख़राब हुआ है। इधर अंदर ह्यूमिडिटी होती है ना इंक्यूबेटर के अंदर, पानी हम लोग रखते हैं ह्यूमिडिटी के लिए, तो उसकी वजह से जो लोहे की चीज़ें होती हैं इन पर जंग आ जाता है। खाली स्क्रू बिल्कुल लूज हुआ है, घूमे जा रहा है बस, लेकिन खुल नहीं रहा। कैसे खुले हैं उसको? आ गया, ये देखें जंग का आलम देखें कितना ज़्यादा जंग। अलेक्सा ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता अलेक्सा करीब आते जा रही है। ये देखें ये रे ब्रह्मा, ये ही अलेक्सा। ब्रह्मा भी देखने कौन से जानवर आ गए हमारे पास। तो मुर्गियाँ भी नीचे आई हैं जब से, तो इनको कुछ दिया नहीं है अभी अभी थोड़ा सा इनको पत्ते डाले मैंने। ये देखें आप ये बहुत शौक से खा रहे हैं हरी सब्जी के पत्ते। ये देखें चलते हैं खुरपी लेने के लिए, क्योंकि इंक्यूबेटर की सफाई करनी है ना, उसके नीचे गंद जमी हुई है, तो खुरपी से हम निकाल देंगे उसको। तो अभी हम आ चुके हैं, ये देखें ये रही खुरपी, फटाफट से इसको लेकर नीचे चलते हैं। ये लो
तो दोस्तों अभी है दूसरा दिन। कल किसी वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। इंक्यूबेटर की सफाई तो मैंने कर दी थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मगर जो मैं इसका खोला था उसके हिंज के अंदर पूरा बहुत ज़्यादा जंग आया हुआ था। और बिल्कुल ये जो लकड़ी है भी पूरी यहाँ से अंदर जो उसके जहाँ से नट लगे हुए थे उस सारी जगह बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए लगाना, तो कल तो लगा नहीं, फिर आज मैंने दोबारा कोशिश करी तो आज लग गया, लेकिन अभी भी देखें गैप आ रहा है। मैंने गेट बंद किया तो इस तरफ गैप है, फिर उसको सही से दबा के दोबारा बंद करना पड़ रहा है। तो मैंने कारपेंटर को बुला लिया है, फिर वो आके जो है ना सही से कर देगा, या तो फिर ये डोर बदलेगा या फिर ये हिंज को मतलब वो सही से उनका काम है वो कर लेंगे। बाकी ये शीशा भी है, ये भी लगाना है इधर, इसकी भी बहुत ज़्यादा ग्लू लूज़ हो गई थी, लेकिन हल्की वाली ग्लू थी, तो ये भी मैं सोच रहा हूँ एलपी से ये भी लग जाएगा। तो बस ये एक दो तो काम रह गए, फिर इंक्यूबेटर देखे अंदर से मैंने साफ तो पूरा कर दिया था। ये इसी के पीसेज हैं, ये आगे गए ना लकड़ी के पीसेज हैं, बाकी ये तो उसका वायर है। साफ मैंने इंक्यूबेटर पूरा कर दिया अच्छे से, बाकी ऊपर का सामान इंक्यूबेटर के अंदर का सामान है। बस अब थोड़ा सा काम रह गया है कारपेंटर का करने वाला, वो काम हो जाता है फिर इसके अंदर इंशाल्लाह अंडे रख देंगे। बस एक दो दिन के अंदर इंक्यूबेटर मैं चलाता हूँ, फिर उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बाकी आज वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोग से किसी और ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।